हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। सभी प्यारे बच्चे, भाई, दोस्त, आज सभी के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज एसएससी जीडी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। मैंने बच्चों को सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे आपको आपका रिजल्ट चेक करना है और क्या क्या जो एसएससी जीडी का रिजल्ट है इस बार उसमें क्या क्या खास रहा है और क्या क्या चीजें हैं, कितने स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं और कितने प्यारे बच्चे जिन्होंने सभी ने एग्जाम दिया था उनमें से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, बाकी क्या क्या चीजें हैं वो सारी डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान से बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना। एसएससी जीडी का रिजल्ट जो है आपका जो है अनाउंस हो गया है। इसमें आपकी जो पोस्ट है वो स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी आई है। हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ आया है, जैसे उत्तर प्रदेश का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, पंजाब का, हर स्टेट का कट ऑफ आया है, हर रीजन का अलग अलग कट ऑफ आया है। और यही एसएससी जीडी का हर बार स्टेट वाइज ही जो है कट ऑफ आता है। कैसे कैसे कट ऑफ आया है, क्या क्या चीजें हैं वो देखो बेटा समझेंगे, ध्यान से समझना सही बच्चे। तो देखो बेटा ये आपका एक पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है अपलोड किया जाता है स्टाफ की तरफ से, सिलेक्शन स्टाफ कमीशन की तरफ से, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी आर्म्ड फोर्सेस इस तरह से। तो देखो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है एसएससी जीडी सीएफएस सीएसएफ। ये जो आपकी इसमें टोटल वेकेंसी है, द रिजल्ट जो है वो पीएसटी पीएसटी का 30 जून को, ये पूरा जो है ऊपर जो दिया हुआ है ये पूरा नोट दिया गया है कि ये प्रक्रिया कैसे हुई, कब इसका रिटर्न हुआ, कब इसका पीएसटी हुआ, कब इसका फिजिकल हुआ, कब मेडिकल हुआ, वो सारी डिटेल्स दी है। उस डिटेल्स के इस सब क्राइटेरिया को जो स्टूडेंट क्रॉस करके फाइनल आया है, उस फाइनल स्टूडेंट जो फाइनल बच्चे आए हैं उन फाइनल स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है। फाइनल बच्चे हैं, फाइनल सिलेक्टेड, जिनका केवल ज्वाइनिंग लेटर आना है वो उन बच्चों की ये लिस्ट है बेटा। तो यहां पर देखो इसने कहा है, यहां पर दिया गया है, इट टोटल 49,590 वैकेंसी थी। इसमें 597 वैकेंसी तो जो 597 जो थी तो वो मणिपुर के लिए थी। तो इसमें आपकी जो पोस्ट है ये है बेटा 8 पोस्ट है। इसमें आपकी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, असम राइफल्स, एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एसएसएफ सेक्रेटरियट सिक्योरिटी फोर्सेस, ये बाद में ऐड हुई है, पहले जो है कुछ कम रहती थी। तो इसमें जो है ये कांस्टेबल लेवल का एग्जाम होता है एसएससी जीडी के थ्रू, और इसी में जो एसआई का एग्जाम होता है जो सब इंस्पेक्टर बन के जाते हैं वो सीपीओ के थ्रू होता है। तो यहां पर जो पोस्ट है वो कांस्टेबल की पोस्ट है, फोर्स सेम है, इन्हीं सब फोर्स में अगर आपको एसआई बनना है तो आपको सीपीओ क्रैक करना पड़ेगा। जो हमारा सीएपीएफ का एग्जाम होता है उसका भी रिजल्ट अभी आया है फाइनल 2022 का, और ये जो एसएससी जीडी से आप कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उन पर जाते हो। तो ये आपका जो है स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ बेटा जारी हुआ है। तो यहां पर देखिए कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स लिए गए, वैकेंसीज थी आपकी ईडब्ल्यूएस की 567 लेकिन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए 404, ये डाटा दिया गया है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे एससी वाले स्टूडेंट 862 वैकेंसी थी लेकिन 808 फिल की गई है, एसटी वालों की 524 वैकेंसी थी 511 फिल की गई है, ओबीएस वालों की 12 से थी 1138 फिल की गई है, जनरल वालों की 2378 थी 2256 फिल की गई है, और टोटल वैकेंसी थी बेटा 5531, इनमें से 5117 फिल हुई है। और ये जो फिल नहीं हुई है उसका भी यहां पर देखो दिया गया है, 43 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, 3 एससी एसटी, ये कैटेगरी वाइज जो अनफिल्ड रही है टेम्परेरी यूनिट कैंडिडेट्स की वजह से, कोई ना कोई वजह से अनफिल्ड रही है, ये वो है। तो उसके अलावा देखो मेल कैंडिडेट, ये फीमेल का डाटा है जो मैंने अभी आपको बताया, ये मेल का डाटा है, मेल कैंडिडेट्स का डाटा है जिसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर और आपका टोटल और ईसीएम, ईएसएम, ये आपका कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज और कैंडिडेट कितने सेलेक्ट किए ये डाटा दिया गया है। इनमें से कितनी वैकेंसी जो नहीं हुई और किस वजह से नहीं हुई ये यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमारे प्यारे बच्चों जिनका रिजल्ट आया है वो प्यारे बच्चे तो अपना जो सिलेक्शन है उसमें रोल नंबर डाल लो, पहले रोल नंबर डाल के पहले अपना देख लो। अगर आपको उसमें अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं मिल रहा है तो उन बच्चों के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नोटिस में फिर देखें कि हमारे कितने नंबर थे, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि ये एनालिसिस जरूरी है आगे की तैयारी के लिए। आपको कितना स्कोर करना है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, फाइनल मेरिट में क्या असर पड़ता है, पहले मेरिट कितनी गई थी, कितने नंबर उससे बढ़ी, तो ये एनालिसिस उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिन बच्चों का रोल नंबर सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। जिन बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में रोल नंबर है उनके लिए जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे ध्यान से देखना, जिनका नंबर नहीं आया किस वजह से नहीं आया है और क्या क्या मेरिट गई है ये। उसके अलावा देखो बेटा मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज ये सब यहां पर दिया गया है। इसमें आपकी जो टोटल मेरिट है वो 5 दी गई है। इसमें
जो है जिक्र किया गया है, कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज एनसीबी, एक एसएसएफ की, सीएसएफ की, और ये सभी की वैकेंसी जो है पांच जो है दी गई है। अब देखो क्या क्या दिया गया है, समझना बेटा। ये जो है इस तरह से आपकी लिस्ट है, इसमें जो लिस्ट फर्स्ट है, इसमें जो पहली लिस्ट है, इसमें 4988 फीमेल कैंडिडेट्स प्रोविजनली रिकमेंड किए गए हैं। लिस्ट टू में 40,229 मेल कैंडिडेट्स की है, और लिस्ट थ्री जो है वो 2330 कैंडिडेट है जो जो है होल्ड पर है। जो कैंडिडेट देखो लिखा है, लिस्ट थ्री जो है तीसरी लिस्ट जो जारी की गई है, जिसमें 1337 विद्यार्थी हैं, वो हैव बीन कैप्ट विद हेल्ड, मतलब उनको अभी संज्ञान में होल्ड पर रखा हुआ है, उनको ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं मिलेगा। उनकी कुछ समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का जब समाधान हो जाएगा या कुछ जो दिक्कतें आ रही होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी, उसके बाद ही उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आएगा। और उसने कहा है एज पर द कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो है ये फाइनल ऑर्डर कोर्ट का जब तक नहीं आएगा इन पर इस कैंडिडेट तब तक कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा देखो बेटा, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज एनसीबी, तो यहां पर ये कैंडिडेट्स जो कैटेगरी दी गई आपकी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईएसएम, ओबीएस और जनरल, जो बच्चे जिस कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं वो उसी मेरिट को देखेंगे। और यहां पर आपको कट ऑफ मार्क दिए गए, वैकेंसी दी गई है, फिल्ड वैकेंसी दी गई, कितनी वैकेंसी फिल की गई है, ये एनसीबी का है, ठीक है। तो यहां पर देखो नीचे दिया भी गया इंक्लूड 17 ईडब्ल्यूएस, और ये कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड किए जनरल में। एक्चुअली क्या होता है कि जो ओबीएस या अदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स जनरल की मेरिट को जब क्रॉस करते हैं तो वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर जो नीचे डाटा है वो उन्हीं का दिया कि इतने इतने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जनरल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई किया है, वो बिलोंग जनरल में नहीं है, किसी और जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन उन्होंने क्वालिफाई जनरल में जाके किया है। तो ये है, तो यहां पर देखो बेटा 145.51, 137, 132 ये मेरिट दी गई है, ऐसे आप देखोगे। उसके अलावा अगर आपको आपकी मेरिट देखनी है तो आपको स्टेट वाइज देखनी पड़ेगी, स्टेट वाइज दी गई है। जैसे यहां पर देखो अरुणाचल प्रदेश का ये है, तो जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश की मेरिट को देखेंगे कैटेगरी वाइज। और आईटीबीपी, बीएसएफ, ये आपकी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, इनके कोड है, ये बॉर्डर वाली है और ये जनरल है, ये दो जगह के। जनरल का मतलब जहां पर लोग निवास करते हैं उससे है, जो जनरल जगह पर निवास करते हैं वो जनरल में आएंगे और जो बॉर्डर पर निवास करते हैं वो बॉर्डर में आएंगे। तो ये है बी का मतलब बॉर्डर, जी का मतलब जनरल, ऐसे करके आपको ये स्टेट वाइज दिया गया है हर एक का। आपको क्या क्या देखना है, आपको अपना स्टेट देखना है सबसे पहले। जैसे कोई बच्चा अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है तो वो अरुणाचल प्रदेश को देखेगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद वो अपनी जो है कैटेगरी देखेगा, मेरी कैटेगरी क्या है। यूआर का मतलब जनरल है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अपनी कैटेगरी देखेगा, और कैटेगरी देखने के बाद फिर यहां देखेगा बेटा अपनी मेरिट की, मेरी मेरिट कितनी गई है। यहां पर ये जो है ये मेरिट है, ये मेरिट है, तो ये मेरिट, कैटेगरी और स्टेट ये देखना है। जैसे कि देखो हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम यूपी वाले बच्चों के लिए देख के बताते हैं कि आप अपना कैसे देखोगे। तो यूपी वाले बच्चे जैसा कि उत्तर प्रदेश आप जानते हो यू पर आता है तो बहुत नीचे, ये अल्फाबेटिकली जो है स्टेट्स अरेंज होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश ए पर है ऐसे अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, तो यू जो है बहुत पीछे आता है, तो इस वजह से यू हमारा इसमें जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत नीचे है। तो देखो उत्तर प्रदेश की मेरिट बेटा मैं आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश की मेरिट कहां है। तो देखो ये है, जैसे मान के चलो ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की मेरिट यहां तेलंगाना, तेलंगाना के बाद तेलंगाना त्रिपुरा, और तेलंगाना त्रिपुरा के बाद ये उत्तर प्रदेश। देखो त्रिपुरा के बाद यहां से उत्तर प्रदेश है आपका। उत्तर प्रदेश की जो मेरिट है वो किस तरह से आप देखेंगे बच्चों, देखो उत्तर प्रदेश में जैसे ये तो हो गई आपकी पोस्ट एआर, अर्ध जो असम राइफल, बीएसएफ, सीएएसएफ, ये आपकी हो गई पोस्ट, आईटीबीपी, एसएसपी, ये देखो है ना। तो इनको मत देखो, आप अपनी कैटेगरी देखो कि आप जनरल से, ईएसएम से बिलोंग करते हो या आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो। जैसे मान के चलो जो हमारे बच्चे ईएसएम से बिलोंग करते हैं जिनकी कैटेगरी ईएसएम है, देखो ये है, तो उसमें जनरल और बॉर्डर दोनों की अलग अलग गई है हर एक। तो जैसे ईएसएम, ईएसएम की जनरल एरिया में असम राइफल की जो गई है वो मेरिट गई है ये 52.68, ऐसे देखना है आपको। और जो ईएसएम में जनरल एरिया में बीएसएफ की गई है वो गई है इतनी आपकी 32, ऐसे करके आपको देखना है। ईएसएम की बॉर्डर एरिया में गई है 55, ऐसे देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो हम आ जाते हैं जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी गई है, तो ईडब्ल्यूएस में जो आपकी पोस्ट एआर है इसकी जनरल एरिया में जो मेरिट है वो 134.94 है। ऐसे देखो बीएसएफ की जनरल एरिया में जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो 133.3 है, ऐसे करके आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। सीआईएसएफ की जो जनरल एरिया में ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो 141.77 है,
ऐसे देखो सीआईसीएफ की बॉर्डर एरिया में, जो बॉर्डर एरिया में बच्चे आते हैं उनकी मेरिट 119 है। और देखो सिंपल सी बात है, बॉर्डर में थोड़ी सी कठिनाई रहती है, तो बॉर्डर एरिया की जो मेरिट है वो कम गई है, जनरल एरिया की मेरिट ज्यादा जाएगी। तो आप देखो दोनों में गैप है, ये 141 133 ऐसे पोस्ट वाइज गई हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस की उत्तर प्रदेश में हम देखें तो ईडब्ल्यूएस के जनरल एरिया में उत्तर प्रदेश की 141, ईडब्ल्यू और आईटीबीपी की जनरल एरिया में 136, उसके अलावा सीआरपीएफ की जनरल एरिया में 134। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस की मेरिट देखें तो बेटा सबसे जो बॉर्डर है उनकी तो कम गई है, देखो 119। वैसे जनरल एरिया में देखें तो सबसे कम आपकी बीएसएफ की 133 है, 133 आपकी बीएसएफ की ईडब्ल्यूएस में सबसे कम गई है, 133। ऐसे आपको अपनी मेरिट चेक करनी है। उसके अलावा देखो फिर आगे जैसे आपका ओबीसी दिया है, ये ईडब्ल्यूएस के पास दिया है ओबीसी, ओबीसी में असम राइफल्स की जनरल में गई है 135, और देखो बीएसएफ की जनरल में गई है 133, और सीआईएसएफ की जनरल एरिया में गई है 141, और ये आपका सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की जनरल एरिया में गई है 135, बाकी बॉर्डर एरिया वाले बच्चों की गई है 122। इस तरह से उत्तर प्रदेश की मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं फिर से एक वीडियो आपको लिए बना दूंगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो, अगर कोई बात समझ में ना आए तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कैसे अपनी मेरिट चेक करनी है। ऐसे ही ओबीसी वाले बच्चे, ऐसे ही एससी वाले, ऐसे ही एसटी वाले और ऐसे ही जनरल वाले सही बच्चे जो है इस तरह से अपना रिजल्ट देख लेंगे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि एसएससी जो है भाग रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, और सभी एग्जामों की जो एग्जाम डेट है वो कंफर्म कर दी गई है, आने वाले सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, और बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एग्जाम, एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट हो गया, टीयर सेकंड, और उसके अलावा सीपीओ टीयर सेकंड और सीपीओ टीयर फर्स्ट, उसके अलावा सीएचएसएल, सारे एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है एसएससी। तो उसके लिए हमने एक बिग प्लान तैयार किया है, जिसके लिए हम शाम को 7 बजे सभी बच्चों से मिलेंगे। तो जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे, बेटा लाइव आना ना भूलिएगा। हम एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कैसे बच्चों को तैयारी करनी है और हम कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो क्लास का हम अनाउंस करेंगे, ये सारी क्लासेज अभी तक हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी सारी क्लासेज बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़े। उसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों, हमारे एक स्टूडेंट ने, क्योंकि हमारी क्लासेज जो है वो ऑफलाइन भी चलती है और ऑफलाइन में हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हम जो है इस एजुकेशन सेक्टर में बच्चों के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उसमें हमने बहुत हजारों बच्चों के सिलेक्शन अलग अलग जगह, यूपी पुलिस जगह, आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, अलग अलग जगह पे हमारे यहां से सिलेक्शन भी बच्चों का हुआ है। तो यहां पर एक स्टूडेंट ने, हमारा जो गर्ल स्टूडेंट है, इनकी जो रैंक है इस वाले में एसएससी जीडी के रिजल्ट में वो 17वीं रैंक आई है बेटा, 17th रैंक आई है, 17th रैंक आई है, 17वीं रैंक है इस एसएससी जीडी वाले में। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ऐसे स्टूडेंट हमारे लिए एक वरदान की तरह होते हैं, जो जिनकी मेहनत होती है, हर स्टूडेंट के सिलेक्शन में उनकी खुद की मेहनत होती है, लेकिन हमारी भी मेहनत का थोड़ा सा परिणाम हमें मिलता है। और ऐसे स्टूडेंट हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में लगातार आते रहें, जिससे हमें थोड़ा बहुत जो है स्टूडेंट, देखो बेटा जैसे पहचान गुरु की स्टूडेंट से होती है, ऐसे स्टूडेंट से गुरु की भी पहचान होती है। हमारा बच्चे जहां जहां पूरे देश में जाके काम करेंगे वहां पर हमारी पहचान बनेगी, तो ये स्टूडेंटों की वजह से ही होता है, तो स्टूडेंटों की वजह से ही ये संभव है। ये 17वीं रैंक आई है, तो ये बहुत बढ़िया, इनको बहुत बहुत बधाई। चलो बच्चों, तो ये बेटा एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया हो वो मुझे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो मुझे 9389110 पर, 9389110 पर, और या हमारा नंबर दूसरा जो है उस पर 9627282820, 9627282820, इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें और बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए, कौन सी रैंक आई है और आपको कौन सी पोस्ट मिली है, जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चों, जल्दी से लग जाओ अभी से काम में, ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।